नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 12 अगस्त। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 86,000 के पार। बिहार में कोविड-19 के बेलगाम बढ़ते जा रहे मामलों में बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 4,071 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 86,812 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 123, अरवल में 34, औरंगाबाद में 64, बांका में 39, बेगूसराय में 225, भागलपुर में 195, भोजपुर में 78, बक्सर में 162, दरभंगा में 36, पूर्वी चंपारण में 208, गया में 172, गोपालगंज में 72, जमुई में 36, जहानाबाद में 57, कैमूर में 16, कटिहार में 164, खगड़िया में 44, किशनगंज में 83, लखीसराय में 75, मधेपुरा में 73, मधुबनी में 143, मुंगेर में 83, मुजफ्फरपुर में 124, नालंदा में 98, नवादा में 40, पटना में 552, पूर्णिया में 119, रोहतास में 121, सहरसा में 91, समस्तीपुर में 117, सारण में 106, शेखपुरा में 46, शिवहर में 22, सीतामढ़ी में 64, सिवान में 94, सुपौल में 86, वैशाली में 103, पश्चिम चंपारण में 112 मामले सामने आए हैं। बेहतर खेती के लिए अब किसानों को टिप्स देगी बिहार सरकार। बिहार सरकार ने अब किसानों को खेती के सही तरीके को सिखाने का संकल्प लिया है। इसको लेकर सरकार ने प्लान भी बना लिया है। बिहार में सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर खेती का गुण अब किसानों को सिखाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 6,957 गांव में सरकार की देखरेख में सॉइल हेल्थ कार्ड की अनुशंसा के आधार पर खेती शुरू करवाई जाएगी, जिसके बाद खेती के लिए किसानों को प्रैक्टिकल जानकारी दी जाएगी। साथ ही मिट्टी संकलित करने का तरीका भी उन्हें सिखाया जाएगा। बिहार एसटीईटी ने परीक्षा की नई तारीख जारी। बिहार एसटीईटी ने परीक्षा के लिए नई तारीख की घोषणा कर दी है, जिसके तहत एसटीईटी की पुनः परीक्षा अब 9 से 21 सितंबर के बीच में आयोजित करवाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप के बाद जनवरी में हुई इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया था। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हालांकि 9 से 21 सितंबर के बीच में आयोजित होने वाली परीक्षा को ऑनलाइन मोड से लिया जाएगा। आपको बता दें, एसटीईटी की परीक्षा 28 जनवरी 2020 को राज्य के 300 से ज्यादा केंद्रों में शिफ्ट की गई थी। सहायक प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में करवाए गए बैठक में बिहार के विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापकों के पद पर नियुक्ति हेतु परिनियम 2020 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति दे दी है। संबंधी अधिसूचना राज्यपाल सचिवालय की तरफ से निर्गत करवा दी गई है। इसके बाद सहायक प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। यानी कि राज्यपाल की स्वीकृति के बाद बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग प्रोफेसर के रिक्त पड़े पदों पर जल्द से जल्द बहाली की जाएगी। बिहार सरकार अब DCLR के कामों का करेगी मूल्यांकन। बिहार सरकार ने DCLR के कामों का मूल्यांकन करने की तैयारी शुरू कर ली है, जिसके तहत 5 बिंदुओं पर वेटेज देने का फैसला सुनाया गया है। उसी आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में भूमि सुधार और राजस्व विभाग ने DM को पत्र सौंप दिया है। पत्र में कहा गया है कि जिला स्तर पर जमीन संबंधी समस्याओं के समाधान में भूमि सुधार उपसमाहर्ता अंचल अधिकारियों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता जिला राजस्व प्रशासन और अंचल प्रशासन के बीच समन्वय का काम करते हैं। अधिकारियों की माने तो पदाधिकारियों की मनोबल वृद्धि के लिए यह जरूरी है कि समय समय पर उनके कार्यों का मूल्यांकन कर उनकी ग्रेडिंग की जाए। बिहार में केंद्र ने कोविड-19 की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ाने की नसीहत। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए जांच की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट किट के माध्यम से जांच की जा रही है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो इस एंटीजन टेस्ट में 60 से 83% तक संवेदनशीलता होगी। इसका मतलब यही है कि 40% मामलों का पता नहीं चल पाता है। इसको देखते हुए ही केंद्र ने बिहार में RT-PCR की संख्या और अधिक बढ़ाने का निर्देश दिया है। एक सरकारी विशेषज्ञ की माने तो रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट किट कम संवेदनशील होते हैं, लेकिन RT-PCR में गलत पॉजिटिव रिपोर्ट देने की संभावना कम होती है। 8 जिलों के सरकारी स्कूल के छात्रों को मिड डे मील का अनाज नहीं देने वाले अफसरों पर प्रशासन हुई सख्त। बिहार के 8 जिलों में सरकारी स्कूल के छात्रों को मिड डे मील का अनाज नहीं मिल रहा है। अनाज नहीं देने वाले 8 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पर सख्ती से पेश आने की तैयारी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने 8 जिलों के अधिकारियों को 3 दिन का शो कॉज जारी कर दिया है। इन 3 दिनों के दौरान सभी अधिकारियों को जवाब देना होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग में सरकारी स्कूल के छात्रों को लॉकडाउन में भोजन नहीं मिलने पर संज्ञान लिया गया था। आज बिहारी पहचान में बात करेंगे शेर शाह सूरी की। शेर शाह सूरी का जन्म बजवारा होशियारपुर जिले में हुआ था। शेर शाह सूरी भारत में जन्मे पठान थे, जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूर्य साम्राज्य स्थापित किया था। शेर शाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था। उन्होंने
उन्हें सेनापति बनाया था और फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। 1537 में जब हुमायूं कहीं सुदूर अभियान पर गए थे तो शेरशाह ने बंगाल पर कब्जा कर सूरी वंश स्थापित किया था। 1539 में शेरशाह को चौसा में हुमायूं का सामना करना पड़ा था, जिसे शेरशाह ने जीत लिया था। 1544 में शेरशाह ने हुमायूं को फिर से हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और शेर खान की उपाधि देकर संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था। आपको बता दें, शेरशाह सूरी बिहार के राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने प्रशासन का पुनर्गठन शुरू किया था और बिहार के मान्यता प्राप्त शासक बन गए थे। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इंस्पेक्टर की पोस्टिंग पर तलब की रिपोर्ट। बिहार के जिन थानों में थानेदारों के रूप में इंस्पेक्टर की पोस्टिंग की गई है, उनमें सब इंस्पेक्टर को प्रभार दिए जाने पर पुलिस मुख्यालय और सख्ती से पेश आ रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, एसपी और डीएसपी से रिपोर्ट तलब की है। बिहार पुलिस मुख्यालय के आईजी की तरफ से इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेज दिया गया है। आपको बता दें, गृह विभाग के पिछले साल 24 जून को वैसे दरोगा और इंस्पेक्टर को थाने की कमान देने से रोक दिया गया था, जिन पर पुलिस मैनुअल के अनुसार 3 ब्लॉक मार्का लगाया गया है, यानी कि ऐसे पुलिसकर्मियों को थानेदार की कुर्सी नहीं देनी थी। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बीते दिन बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया है, जिसको देखते हुए पूर्वी चंपारण के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। बैठक में बाढ़ और बरसात से किसानों को हुई बर्बादी की समीक्षा भी की गई है। साथ ही प्रेम कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फसल क्षति के आकलन में अधिकारी पारदर्शिता बरते, ताकि एक भी प्रभावित किसान फसल क्षति मुआवजा की राशि से वंचित न रहे। इतना ही नहीं, कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने गन्ना किसानों को भी राहत देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमर स्वतंत्रता सेनानी को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 अगस्त 1942 को देश की आजादी के लिए जान गंवाने वाले 7 अमर शहीदों उमाकांत प्रसाद सिंह, रमानंद सिंह, सतीश प्रसाद, जगतपति कुमार, देवी प्रसाद, चौधरी राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिसकी जानकारी आईपीआरडी विभाग के आधिकारिक ट्विटर पर साझा की गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक 11 अगस्त 1942 में अपनी जान गंवाने वाले सभी सैनिकों ने देश को स्वतंत्र करवाने में अपना योगदान दिया था, जिसको लेकर हर किसी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। रामविलास पासवान ने चुनाव आयोग को बिहार में विधानसभा चुनाव स्थगित करवाने की दी नसीहत। रामविलास पासवान ने बिहार में विधानसभा चुनाव को नहीं करवाने की नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव कराने लायक हालात अभी नहीं है। ऐसे में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर चुनाव को फिलहाल टाल देना चाहिए। रामविलास पासवान ने कहा है कि बिहार में कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए, और ये कब तक बढ़ता रहेगा, ये कब कंट्रोल होगा, यह कोई नहीं जानता। ऐसे में जब चुनाव होगा तो हजारों शिक्षक, कर्मचारी और जवान को ड्यूटी में लगाया जाएगा, जिससे संक्रमण की आशंका और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में लोजपा है कि बिहार में चुनाव को टाल दिया जाए। दरभंगा के दंपति ने सोनू सूद के नाम पर रखा अपने बच्चे का नाम। दरभंगा के तरडी ब्लॉक के लकवा रामभद्रपुर के वार्ड संख्या 5 में रहने वाले एक दंपति ने अपने बच्चे का नाम को सोनू सूद के नाम पर रखा है, क्योंकि लॉकडाउन में अभिनेता की मदद से यह दंपति घर वापस बिहार लौटे थे और दरभंगा पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे का नाम अभिनेता के नाम पर रख दिया है। इस दंपति की ख्वाहिश है कि सोनू सूद दरभंगा आकर खुद इस बच्चे का नामकरण करें। दंपति ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी ख्वाहिश है कि सोनू सूद एक बार दरभंगा आए और इस बच्चे को गोद में ले, जिससे इनका बच्चा भी सोनू सूद की तरह दूसरों की मदद करे। बिहार के सभी निचली अदालतों में आज से शुरू होगी वर्चुअल सुनवाई। 13 जुलाई से बंद पड़े बिहार के सभी निचली अदालतों में आज से वर्चुअल सुनवाई शुरू होने वाली है। मेरी जानकारी के अनुसार निचली अदालतों में वर्चुअल कोर्ट भी सभी प्रकार के न्यायिक कार्य किए जाएंगे। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर हाईकोर्ट प्रशासन ने सभी जिला और सत्र न्यायाधीश को कुछ दिनों पहले निर्देश जारी करके इस बात से अवगत करवा दिया था। हाईकोर्ट ने वर्चुअल कोर्ट में सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई करने का निर्देश दिया था, साथ ही वर्चुअल कोर्ट में भी मुकदमा के साक्ष्य की फाइनल सुनवाई करने का भी निर्देश दिया है। बिहार के 37 रेल परियोजनाओं में प्रवासी कामगारों को मिला रोजगार। प्रवासी कामगारों को वापस लौटने के बाद उन्हें रोजगार मुहैया करवाना सरकार के लिए एक चुनौती बनकर सामने आई थी। हालांकि सरकार हर संभव कोशिश करके प्रवासी कामगारों को नौकरी मुहैया करवाने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत बिहार के 37 रेल परियोजनाओं में प्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया करवाई गई है। वहीं अब तक 262 करोड़ रुपये का भुगतान इन कामगारों के बीच में किया जा चुका है, जिसकी जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने दी है। विधानसभा में नियुक्ति का रिजल्ट हुआ घोषित। बिहार विधानसभा सचिवालय में नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय के विज्ञापन संख्या 4/2018 के अंतर्गत रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन किया गया था और अब इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। प्रधान सचिवालय में चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षा फल आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर दिया गया है।
मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में बिहार के 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तहकीकात करने पहुंचे बिहार के 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह मामला महाराष्ट्र के करनी सेना की तरफ से दर्ज करवाया गया है। इस मामले में करनी सेना ने बिहार पुलिस अधिकारियों पर कई सारे आरोप लगाए हैं। करनी सेना का कहना है कि बिहार पुलिस का कार्यक्षेत्र मुंबई नहीं था, बावजूद इसके पुलिस को जांच करना ही था तो वो सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से दायर किए गए मामले को मुंबई ट्रांसफर करते। बिहार सरकार ने शोरूम से बिना रजिस्ट्रेशन HSRP नंबर प्लेट की गाड़ी बाहर नहीं निकालने का जारी किया ऐलान। बिहार सरकार ने अपना सख्त रुख अपनाते हुए साफ तौर पर शोरूम से बिना रजिस्ट्रेशन के HSRP नंबर प्लेट की गाड़ियों को बाहर नहीं निकालने की नसीहत दी है। सरकार के आदेश का पालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों के साथ डीलर पर भी अब सख्ती से पेश आया जाएगा। इसके तहत वाहन कंपनी के डीलर का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित करवाया जा सकता है। इसके लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी और MVI को सख्ती से पेश आने का निर्देश दे दिया है। परेशान IPS विनय तिवारी ने ट्विटर इंडिया से मांगी मदद। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई रवाना हुए IPS अधिकारी अचानक से काफी सुर्खियों में आ गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई भेजने के बाद उन्हें क्वारंटाइन किए जाने के बाद उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई है। स्थिति यह है कि उनके नाम का अब फेक अकाउंट भी बनने लगा है। ट्विटर पर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने विनय तिवारी के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाया है, जिसके बाद विनय तिवारी ने अकाउंट को रिपोर्ट कर अकाउंट को डिलीट करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने अकाउंट को वेरीफाई करने की भी मांग की है ताकि आगे ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न न हो। कमला तटबंध को ऊंचा करने की शुरू हुई तैयारी। कमला नदी पर बने तटबंध को ऊंचा करने के साथ ही इसे मजबूत करने की तैयारी शुरू हो रही है। मधुबनी में पीपरा घाट पुल के ठेंगहा पुल पर 80 किलोमीटर की लंबाई में तटबंध को दुरुस्त करने की योजना पर काम शुरू होने वाला है। राज्य सरकार ने इसके लिए 285 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। जल संसाधन विभाग ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। तटबंध को 15 मई 2022 तक दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जल संसाधन विभाग के टेंडर में कमला नदी के बाएं तटबंध पर 27.10 किलोमीटर से 66.30 किलोमीटर और दाएं तट पर 23.20 किलोमीटर से 64 किलोमीटर तक ऊंचा करने का आदेश जारी किया गया है। तेजस्वी यादव की मीटिंग के बाद भाई वीरेंद्र ने मीडिया से की बात। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में विधानसभा चुनाव के आयोजन करवाने के ऐलान के बाद सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने भी बड़ा बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा करेगा तो हम लंगोट पहनकर तैयार हैं। इस बार छाती पर चढ़ जाएंगे और बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही सरकार बनाएंगे। चुनाव आयोग के रुख को जानकर तेजस्वी यादव ने दी अपनी प्रतिक्रिया। चुनाव आयोग के बिहार में विधानसभा चुनाव को करवाने के फैसले के आने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों से राय मांगी थी, हमने भी अपनी राय दे दी थी। अब अगर चुनाव आयोग कोई फैसला करता है तो वो सबके लिए मानने योग्य है। आपको बता दें, इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने चुनाव कराना सही नहीं बताया था। वहीं बाढ़ और COVID-19 की वजह से पूरा राज्य प्रभावित है, ऐसे में चुनाव स्थगित कर दिया जाए यही सही है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई पूरी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई पूरी कर ली गई है, जिसके बाद अब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही आदेश जारी करेगा कि जांच मुंबई पुलिस करेगी या फिर CBI। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में केंद्र सरकार ने CBI जांच की जरूरत बताई है। केंद्र सरकार का साफ तौर पर कहना है कि मुंबई पुलिस की तरफ से तथ्यों के साथ उलटफेर करने की कोशिश की गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। जाने माने उर्दू शायर राहत इंदौरी ने बीते दिन दुनिया को कहा अलविदा। जाने माने उर्दू शायर राहत इंदौरी ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसकी जानकारी राहत इंदौरी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से साझा की गई है। साथ ही अपील भी की गई है कि लोग अपने अपने घरों में ही राहत साहब की आत्मा की शांति के लिए दुआ करें। मिली जानकारी के अनुसार इंदौरी ने मंगलवार शाम लगभग 5 बजे अंतिम सांस ली है। उन्हें COVID-19 था। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित एक अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था, जहां पर उन्हें 2 बार दिल का दौरा आने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। श्री अरविंदो अस्पताल में उनके जान गंवाने की पुष्टि की गई है। BCCI ने IPL 2020 टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए जारी किए आवेदन। BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए हैं। वीवो के पीछे हटने के बाद IPL के स्पॉन्सरशिप को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। BCCI ने साफ तौर पर स्पॉन्सरशिप आवेदनों की मांग की है। IPL की तरफ से जारी किए गए एक बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि बोलियां जमा करने की आखिरी तारीख 14 अगस्त है। बोर्ड ने यह अधिकार 18 अगस्त 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के लिए उपलब्ध करवाया है। हालांकि BCCI ने साफ तौर पर कहा है कि यह सभी स्वीकार किया जाएगा जब BCCI की तरफ से जारी किए गए नियमों का पालन हो रहा होगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है योगेंद्र कुमार, हेमंत हमेशा, हरिशंकर राय, आशीष कुमार, मनोज सिंह, सुनील कुमार, अमरजीत कुमार, सूरज प्रसाद, अशोक राम राय, जयप्रकाश,
रंजन सिंह, अरविंद कुमार मंडल, प्रदीप कुमार, प्रमोद कुमार, जितेश कुमार, निरंजन राय, विकी कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार रामविलास पासवान द्वारा बिहार में विधानसभा चुनाव के आयोजन लायक हालात नहीं होने के बयान से आप कितने सहमत हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल नॉनस्टॉप खबरें को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।